मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल भीमबेटिका की गुफाएं। दोस्तों हम आज बात करेंगे विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटिका की गुफाओं की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में स्थित है। ये राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ से, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 46 पर स्थित है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई है, जिनका संबंध नवपाषाण काल से बताया जाता है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज वर्ष 1957-58 में आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। गुफाओं का नाम भीमबेटिका पांडवों के दूसरे नंबर के भाई भीम के नाम पर है। ऐसा माना जाता है 12 वर्ष के वनवास के समय में भीम ने यहाँ पर भ्रमण किया था, तो उसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, इस कारण से इन गुफाओं का नाम भीमबेटिका पड़ गया। यह गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी और गुफाओं में मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफाओं में बनी चित्रकारियां यहाँ रहने वाले पाषाणकालीन मनुष्यों के जीवन को दर्शाती हैं। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन चित्रकारी को लगभग 12,000 साल पुरानी माना जाता है। इन गुफाओं की विशेषता यह है कि ये गुफाएं चट्टानों में हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी यहाँ मौजूद हैं, और भीमबेटिकाओं में लगभग अगर माना जाए तो यहाँ पर 750 गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। गुफाओं में अधिकांश तस्वीरें लाल और सफ़ेद रंग की हैं, और इसके साथ पीले और हरे रंग के बिंदुओं से भी सजी हुई हैं, जिनमें दैनिक जीवन की घटनाओं से ली गई विषय वस्तुएं चित्रित हैं, जो हजारों साल पहले का जीवन दर्शाती हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। अन्य पुरावशेषों के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, संक अभिलेख और परमारकालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल रंग और सफ़ेद रंग से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के भी चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्रों में यह दर्शाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत बजाने, शिकार करने, घोड़ों और हाथियों की सवारी, शरीर पर आभूषणों को सजाने और शहद जमा करने के बारे में है। घरेलू दृश्यों में भी एक आकस्मिक विषय वस्तु बनती है। शेर, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। गुफाओं के आवासों की कई दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच संकेत लोकप्रिय थे, ऐसे संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सैंडस्टोन के बड़े खंडों के अंदर अपेक्षाकृत घने जंगलों के ऊपर प्राकृतिक पहाड़ियों के अंदर 5 समूह हैं, जिसके अंदर मीजोलिथिक युग से ऐतिहासिक अवधि के बीच की तस्वीरें इन गुफाओं में मौजूद हैं। विश्व विरासत स्थल के बारे में चर्चा करें तो टीक और सालों के पेड़ से घिरी भीमबेटिका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। भीमबेटिका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटिका गुफा
भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों में से एक गुफाओं के रूप में दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के दौरान मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।